हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मिसोन। गणेश चतुर्थी पर बहुत से लोगों ने अपने घरों में गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित की है। मैं अपनी सिस्टर के घर आई हूँ आज, उन्होंने भी गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित की है अपने घर में। गणपति बप्पा के प्रसाद में उन्होंने मावा तिल मोदक भी बनाए हैं, उसी की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। चलिए देखते हैं वो कैसे बनाते हैं मावा तिल मोदक। मावा तिल मोदक बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में 200 ग्राम सफ़ेद तिल लेंगे, उसे हम स्लाइटली ही रोस्ट करेंगे क्योंकि उसका मॉइस्चर ही हमें बस निकालना है। देखिए उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है और हमारे तिल भी रोस्ट हो चुके हैं। अब हम रोस्टेड तिल को एक प्लेट में अलग से निकाल देंगे और उसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसी कढ़ाई में हमने 250 ग्राम मावा लिया है जिसे हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। अब हमारा मावा जो है करीब करीब रोस्ट हो चुका है, इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जो तिल रोस्ट किए थे उसमें से थोड़ी सी तिल जो है यानी कि हाफ पार्ट उसका ग्राइंड कर लेंगे और थोड़ी सी तिल दीने बचा लिए हैं उसे वो साइड पे रख देंगे। तिल ग्राइंड हो चुके हैं, इसे उन्होंने दरदरा ही बस पीसा है, अच्छे से पाउडर नहीं बनाया है। मावा अभी हल्का सा ही गर्म है, इसमें उन्होंने 200 ग्राम चीनी ली है जो ग्राइंड की हुई है, मिक्स कर रहे हैं। इसमें ही उन्होंने जो ग्राइंड किए हुए तिल थे वो भी ट्रांसफ़र कर दिए हैं। और जो तिल उन्होंने ग्राइंड नहीं किए थे, बचा कर रखे थे, वो भी उसी में ही वो डाल रहे हैं। जो इलायची पाउडर है वो भी उसमें ही ट्रांसफ़र कर दिया है उन्होंने और अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्सचर करीब करीब रेडी हो रहा है। इसके रेडी होने के बाद उन्होंने जो मिक्सचर को फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख दिया जिससे वो सेट हो जाए। और अब हमारा मिक्सचर जो है वो सेट हो चुका है, अब मोदक बनने के लिए तैयार है। मोल्ड को उन्होंने ग्रीस कर लिया है और थोड़ा सा मिक्सचर इसमें ट्रांसफ़र करेंगे और बीच में से थोड़ी जगह बनाएंगे जिसमें वो स्टफिंग डाल सकें ड्राई फ्रूट की। ड्राई फ्रूट में उन्होंने लिया है बादाम, काजू और पिस्ता, छोटा छोटा काटा है जिसे वो उसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं और ऊपर से थोड़ा सा और मिक्सचर डालकर उसे अच्छे से बंद कर दिया है। ये देखिए जैसे वो कर रहे हैं बस आपने वैसे ही करना है। देखिए कितना अच्छा मोदक बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह से आपने सारे मोदक बना लेने हैं, दिखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। जब मैंने ये प्रसाद ग्रहण किया तो मुझे इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगा, तो इसीलिए मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। अगर आपको मेरी दी की ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगी। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।